हरी इलायची डालने का फैसला बहुत अच्छा था। जायका बहुत ही अच्छा आया है। वैसे खुद ही अपनी तारीफ कर रही हूँ, पर हमसे अच्छा शीर कोरमा कोई नहीं बना सकता। फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए भी रखा है, आप भी चख लीजिए। हमें आपका दिया हुआ यह शीर कोरमा नहीं चाहिए, बल्कि तालीम आफ्ता बच्चे की जरूरत है आपके तालीम घर से। कब भेज रही हूँ उस बच्चे को? बस थोड़ा वक्त और लगेगा। दौलत मांगी होती हम दे देते, वक्त मांग लिया आपने, और वक्त ही नहीं है। अब ऐसे भी काफी वक्त जाया कर दिया है आपने। हम पर यकीन कीजिए सुल्तान। पर यकीन ही तो नहीं हो पाता। आप हमें बुरा कहती, हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन हमें बेवकूफ समझेंगी तो बहुत बुरा लगेगा। रही बात यकीन की, तो हम हमारी इस बहन बहर तक का यकीन नहीं करते, पर हमें अपनी मेहनत और किस्मत दोनों पर पूरा भरोसा है। इसलिए जब तक हमें वो काबिल बच्चा नहीं मिल जाता जो हर कसौटी पर खड़ा उतरे, हम किसी को आपके पास नहीं ला सकते। बेगम, आप अच्छी तरह जानती हैं कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, और आप तो सुल्तान की खास हैं। हमें पूरा यकीन है कि आप हमें नाराज नहीं करेंगे, इसलिए आज शाम को अपने तालीम घर से उस तालीम आफ्ताब बच्चे को हमारे सामने पेश किया जाए। आज शाम। पीछे पकड़ो। शुक्रिया अब्दुल। या अल्लाह, खुद भी मरती और हमें भी मरवाती। कहा था हमने, कहा था लड़की हो तुम, हार जाओगी। फैसला भी हुआ नहीं है, अभी तुम जीतेंगी और मैं हारी नहीं। वो तो देखो तब पता चलेगा जब हम तुम्हें सुल्तान को पकड़ा कर दे देंगे। हमारा मतलब है कि वो तब पता चलेगा जब हम सुल्तान को पकड़ कर तुम्हें दे देंगे। तब पता चलेगा जब हम तुम्हें पकड़ कर सुल्तान को दे देंगे। जब हम उन्हें बताएंगे कि तुम काला चोर नहीं, काली चोर नहीं हो, एक लड़की हो, और लड़कियों की चोरी
बुरी बात। हुजूर, आज का दिन बड़ा मुबारक है। भले ही काला चोर भाग गया, लेकिन हमें तो हमारी भाभी मिल गई। अब्दुल, बेवकूफ हो गया तुम। इतनी देर से मैं क्या बता रहा हूँ, यही काला चोर है। काला चोर एक लड़की है। हाँ तो इतना हैरान होने वाली क्या बात है? तुमने लड़की होकर कौन सी तीर मारी है जो मैं लड़की होकर चोर नहीं हो सकती? लड़कियां वो सारे काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़कियां दोल हमें चुप नहीं रह सकती। लड़कियां आईने के सामने बिना आईने में देखे जा नहीं सकती, और दूसरों की चुगली किए बिना नहीं रह सकती, और छोटे से कुत्ते को देखते ही अले ले 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 ओले ले ले क्या क्या तो करती। अच्छा, और बताओ बताओ। और जानना चाहती हो? खुद को मोटी नहीं मानती और सुनने वाली को पतली नहीं मानती। लेकिन तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो, ये जरूर मान सकती है। बेवकूफ। मछली जब तेज हो तो कांटा नहीं फेंकना चाहिए। क्या फेंकना चाहिए? रहने दो, जाल। अब सुल्तान हमें ही अपना वारिस बनाएंगे। एक बार सुल्तान तुम्हें सजा दे दे, उसके बाद हमारे रास्ते अलग। तुम्हारी तो कहानी ही खत्म। काले चोर? नहीं नहीं नहीं, काली चोरनी। किसी को कुछ पता चला कहाँ है वो दोनों? मुझे शिफान और कोयल चाहिए अभी के अभी। जाओ ढूंढो उन्हें। आज शाम को अपने तालीम घर से उस तालीम आफ्ताब बच्चे को हमारे सामने पेश किया जाए। कोयल और शिफान अगर नहीं मिले तो मैं बाकी बच्चों को कैसे बचाऊंगी? मुझे कोयल और शिफान को सुल्तान के सामने पेश करना ही होगा। आदाब रुखसार। क्या हुआ रुखसार बेगम? आपकी तबीयत तो ठीक है, जब से सुल्तान के पास से आई हैं काफी खोई खोई और उदास सी लग रही। उस्ताद गुलबदन, कोयल और शिफान लापता हैं। जाइए और बाकियों के साथ ढूंढिए उन्हें। अब जी। या अल्लाह, मैं किसी को सच नहीं बता सकती, उस्ताद गुलबदन को भी नहीं। पर ये कोयल और शिफान गए तो उन दोनों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। इस तालीम घर के हर बच्चे की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। हाँ है हमारा नालायक बेटा। जो काम आपकी लायक फौज नहीं कर पाई, उस काम को करने में आपके नालायक बेटे को थोड़ी देर हो गई। हमने अपना वादा पूरा किया फिरोज। हमारा मतलब है सुल्तान, आपका मुजरिम आपके सामने। काला चोर लड़की? काला चोर लड़की है? वैसे तुर्किस्तान काफी तरक्की कर चुका है, मतलब लड़कियां आजकल किसी भी काम में पीछे नहीं रहती, चाहे वो दिलेरी हो, बहादुरी हो या फिर चोरी। यहाँ के लड़के भी किसी बात में पीछे नहीं है, चाहे वो आलस हो, बेवकूफी हो, और ना ही काम चोरी में। मत भूलो तुम चोर हो। तुम काम चोर हो? मैं चोरी अपने लालच के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए करती हूँ, तुर्किस्तान की गरीब आवाम की भलाई के लिए। ये काम तुम्हारा नहीं, ये काम किसका है? किसका है हम बता दें, ये काम हमारा है। तुम्हारा काम है तो करते क्यों नहीं? इस लड़की को जाल से बाहर निकालिए। रुको, चाकू मुझे दो, जाल में खुद काटूंगी। रुकिए। सुल्तान,
तुर्किस्तान में आप जैसा रहमदिल सुल्तान आज तक नहीं हुआ। आपने गरीबों के लिए क्या कुछ नहीं किया, सड़कें, तालाब, मुसाफिर खाने, मुफ्त इलाज घर सब बनवाए। जब तक आप काम खुद संभालते थे तुर्किस्तान में कोई भूखा नहीं सोया। लेकिन जब वक्त बीतता है तो जिम्मेदारी एक कंधे से दूसरे कंधे पर जाती है, पर अफसोस कि दूसरे कंधे जिम्मेदारी उठाने के लायक ही नहीं। अगर लायक होते तो मुझे चोर नहीं बनना पड़ता। तो तुम गरीबों का पेट भरने के लिए चोर बनी? बनना पड़ा सुल्तान। मैं जानती हूँ कि ये गलत है, लेकिन बच्चों का भूखा सोना उससे भी ज्यादा गलत है। मेरे सामने सही या गलत नहीं, कम गलत और ज्यादा गलत था, तो मैंने कम गलत को चुना और काली चोरनी बन गई। वजीर आला, अगर ये लड़की सच कह रही है तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। आज के बाद तुर्किस्तान में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। फिरोज, सुल्तान, 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 ये चोरनी है। और चोरनी की बातों पर यकीन कर रहे हैं आप? मतलब हसीये हुजूर, हसीये, हसीये, ये हंसने का वक्त है अभी। जो हसीये हुजूर कह रहे हो, हाँ, निकलो यहाँ से, निकलो। सुल्तान, हमने अपना वादा निभाया, तो आपको भी अपना वादा निभाना पड़ेगा ना। ये ताज और ये सल्तनत को सजा दीजिए और ये लड़की हमें दीजिए। हमें इस लड़की के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमारा मतलब ये है कि सल्तनत को सजा दीजिए और ताज लड़की हमें दीजिए। अरे या अल्लाह, इस लड़की को सजा दीजिए, ये चोरनी है, इसे हमने पकड़ा है, और ये ताज और सल्तनत हमें दीजिए। सुल्तान, आप इस लंगूर के बच्चे, अपने बच्चे की बात मत सुनिएगा। आप अपने बच्चे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत दीजिए, ये पूरे तुर्किस्तान को बर्बाद कर देगा। नहीं सुल्तान, सुल्तान ये सजा से बचने के लिए बड़ी बड़ी मनगढ़ंत बातें बना रही है, और आप इसकी बातों में यकीन मत कीजिए। ये चोरनी है, चोरनी, चोरनी नहीं। अब उनकी यास्मीन शहजादी है, शहजादी। यास्मीन कौन है? यास्मीन मेरा बच्चा है, तू परेशान नहीं होने का, तेरी चटर-पटर आ गई है। इधर तेरे ये पांडू लोग नहीं होते तो तेरे को सही से खर्चा पानी देती मैं। देखने में इतना चकाचक और दिल से इतना चिंदी। कितनी अलग ज़बान है ना इस चिड़िया की। माफ करना सुल्तान, आपके डेढ़ शाने ने अब उनका दिमाग कद्दई कर दिया। ये तो बहुत ही ऊंची शायरा मालूम होती है, क्या ज़बान बनाई है। सुल्तान, सुल्तान, ये चिड़िया है, चिड़िया, इसे छोड़िए और इस काली चोरनी को सजा दीजिए। मैं तेरे को खोपचे में ले जाकर खर्चा पानी दूं क्या? वाह, सुल्तानी शायरी नहीं कर रही है जो आप वाह वाह कर रहे हैं। ए दादा नहीं, हाँ आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे साथ शहजादे को भी सजा मिलनी चाहिए। हमें, हमने क्या किया है? कुछ नहीं, और इसीलिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। बात तो तुम्हारी सही है लड़की। कैसे सही है सुल्तान, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हमें सजा क्यों मिलेगी? मतलब ऐसा तो कोई कानून ही नहीं है। बात तुम्हारी भी सही है शहजादे। बिल्कुल सही है। अरे ये क्या झोल चल रहा है, लाई दो। आपकी बात तो बिल्कुल सही है चिड़िया। वैसे हम आपकी मजबूरी और आपका दुख दोनों समझते हैं बेटा, और आपकी खुददारी की भी कद्र करते हैं, पर आपकी तरह अगर हमने तुर्किस्तान में सभी को कानून तोड़ने दिया तो ये जंगल राज हो जाएगा, इसलिए आपको सजा तो जरूर मिलेगी। वाह 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 सुल्तान वाह, अब आपने की ना सही बात, ये हुई सुल्तान वाली बात, मतलब ये हुई ना बात। बैठी बैठी बैठी, काली चोरनी ने आज तक 37 चोरियां की हैं, तो इसकी सजा यह है कि हम उसे 1 साल के लिए तुर्किस्तान से मुल्क निकाला देते हैं। मुल्क निकाला? नाइंसाफी, नाइंसाफी। अब तो हंसिए हुजूर। अब हंसेंगे। ओए चिड़िया, अपनी अदब की हद में रहो, हाँ नहीं तो अपने बावर्ची से बोलकर आलू भुजिया बनाकर खा जाऊंगा। अच्छा, तो ना इंसाफी है सुल्तान, एक तो आपने अपने शहजादे को सजा नहीं दी, ऊपर से मेरी बहन चटर पटर के साथ बदतमीजी भी कर रहे हैं। तो
भीग दो। चांद और तारे का निशान। इस चांद को एक ना एक दिन सितारा मिलेगा। वो लड़की शहजादे को उस मकसद तक लेकर जाएगी जो मकसद किस्मत ने उसके लिए चुना होगा। वो आ रहा है, वो आ रहा है। साल हो चुके हैं अलादीन को मरे, लेकिन आज हमें वो नेक और फरमा बरदार बच्चा मिलेगा तो हमें उस काले चिराग तक ले जाएगा। भाईजान, आपको सच में लगता है कि वो आपकी रुखसार बेगम, उसने आपके लिए नया अलादीन तैयार कर लिया होगा? बहर, रुखसार बेगम और हमारे बीच शतरंज की बाजी चल रही है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या सोच रही है और वो अच्छी तरह जानती है कि हम क्या सोच रहे हैं। कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती, ऐसे खत्म नहीं हो सकती। आज शाम तक मैं अपने बच्चों में से कोई एक उस शैतान को कैसे दे दूं? किसी को तो भेज मेरी मदद के लिए, अल्लाह कुछ तो कर। क्या? जी हाँ, और ये हमारा आखिरी फैसला है। आप दोनों को वतन निकाला दिया जाता है और वो भी एक साथ। एक साथ? वो भेजेगा, उसे जरूर भेजेगा। वो आएगा, जरूर आएगा और बगदाद की नई तकदीर लिखेगा। गलती आप दोनों ने की है तो सजा भी आप दोनों को मिलेगी। आपको तुर्किस्तान छोड़कर जाना होगा और पूरे अरबिस्तान के 12 मुल्कों में से किसी एक मुल्क का ताज लेकर लौटना होगा। तेरा वक्त खत्म।